और बढ़ते आगे आपको बता दें कि सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा उखड़ी पहुंची है। सीएम शिवराज ने पूर्व पीएम अटल जी को पहले श्रद्धांजलि दी, इसके बाद आपको बता दें कि बहनों को राखी की शुभकामनाएं दी, कई योजनाओं की घोषणा भी की मुख्यमंत्री ने। शिक्षक भर्ती में 50 और पुलिस में 33% सीट महिलाओं के लिए देने की बात कही है, तो सौगात कही जा सकती है रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री की तमाम उन महिलाओं के लिए। प्रदेश की महिलाओं के लिए धार पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जन आशीर्वाद यात्रा लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से होती हुई धार पहुंची थी और वहां पर सीएम ने बहनों को राखी की शुभकामनाएं भी दी और उसी दौरान कई योजनाओं की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। स्वागत किया गया मुख्यमंत्री का जैसे ही वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे थे, तमाम जो महिलाएं थी वो वहां पहले से मौजूद थी, सभी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उसके बाद सबसे पहले कार्यक्रम में अटल जी को श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और सभी बहनों को राखी की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ कई घोषणाओं का, कई योजनाओं का ऐलान भी मद से मुख्यमंत्री ने किया। तो ऊपरी जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची, पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री की पहुंच रही है और लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। अमीर होते चले गए और कई लोग गरीब रह गए। मेरे बहनों और भाइयों, आज शिवराज आपसे ये कहने आया है, मेरे वो भाई आदिवासी भाई बहन, गरीब भाई बहन जो पीछे रह गए विकास की दौड़ में, जिनकी जिंदगी मुश्किल में।